नगर पालिका में 22 साल बाद कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाकर शानदार जीत हासिल की। नगर पालिका के 27 पार्षदों में से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल गफ्फार को 17 वोट के साथ शानदार जीत हासिल की। वहीं भाजपा समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजकिशोर तिवारी को 10 वोट मिले। साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए सुषमा संजय नायक को 15 मत मिले और आरती महेश साहू को 12 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार सुषमा संजय नायक विजय घोषित किया गया। इसके बाद नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से शहर विजय जुलूस निकाला गया। जगह जगह विजय जुलूस का पुष्पमाला से अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार का स्वागत किया गया। विजय जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। जैसे पत्रकार अगर हमारा साथ दिया तो अब 6 महीने में यहाँ का नक्शा चेंज कर देंगे। सुंदरता, सफाई, नाली, रोड, जितने भी जो परेशानी है नगर पालिका से संबंधित जो चीजें होती हैं उससे बिल्कुल मुक्त होगा आदमी, कोई भी कष्ट नहीं होगा। नगर पालिका से संबंधित अगर उसका कोई भी काम काज अगर कोई रुका हुआ उसको मैं घर पर जाकर उसका पूरा देके आऊंगा। यदि भ्रष्टाचार हुआ इसके बारे में आपका हमको भी जानकारी नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद। पहली प्राथमिकता क्या रही यहाँ लोगों को पानी की ज्यादा समस्या? सबसे पहले हमारी रोड, नाली, पानी, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।